जी हाँ दोस्तों, स्कूल खोलने को लेकर जो लंबा इंतजार चल रहा था, क्या वो समाप्त होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, स्कूल रीओपन को लेके अब इंतजार समाप्त होने वाला है। जानिए 19 अक्टूबर से किन किन राज्यों में स्कूलें जो है खुल रही हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन दोस्तों काफ़ी स्कूलों में जो है 19 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेके अहम डिसीजन लेने के ऊपर फैसला लिया गया था। तो आपको बता दें, मार्च से ही जो है स्कूलों पर ताला लगा हुआ है, तब से लेके अब तक जो है स्कूलें बंद पड़ी है। हालांकि अनलॉक 4 में 21 सितंबर से आंशिक तौर पर कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए थे। उसके बाद अनलॉक 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में स्कूल खोलने को लेकर इजाज़त दी गई थी। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने और शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनके तहत जो है स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और जो अंतिम फैसला था वो राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। तो दोस्तों, काफ़ी राज्यों में तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी राज्यों में 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुल पाए हैं। तो आपको बता दें, जिन राज्यों में 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुल पाए हैं, उन राज्यों में अब कब स्कूल खुलेंगे? क्या 19 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे, या फिर 1 नवंबर से, या फिर दीपावली के बाद स्कूल खुलेंगे? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खुलने का फैसला किया है। नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के रेगुलर क्लासेज शुरू किए जाएंगे, लेकिन एक सेक्शन में एक समय पर ही जो है 20 से ज़्यादा स्टूडेंटों को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि दीपावली के बाद राज्य में कोविड-19 के हालातों की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद इस संबंध में कोई अहम फैसला लिया जाएगा। तब तक राज्य में जो है सभी स्कूलें बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्लास 9 से 12 तक के लिए सोमवार यानी कि 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने की घोषणा की है, लेकिन सिर्फ वही स्कूल खोले जाएंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाएंगे, और जो स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे उन्हीं स्कूलों को सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने 2 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो दोस्तों, गुजरात के अंतर्गत सरकार ने भी जो है दीपावली के बाद स्कूल खोले जाने को लेकर कोई निर्णय लेने की बात कही है, तब तक गुजरात में स्कूल बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ में स्कूलें बंद रहेंगी। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने कहा है कि उन्हें स्कूल खोलने की कोई जल्दबाजी अभी नहीं दिख रही है, सभी पहलुओं का पहले जायजा लिया जाएगा और उसके बाद सामान्य स्थिति होने पर ही कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। पश्चिमी बंगाल यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने भी कहा है कि 15 नवंबर के बाद ही राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कोई सरकार जो है अहम डिसीजन लेगी, यानी कि दीपावली के बाद ही जो है पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल में स्कूल खोली जा सकती है। वहीं हरियाणा की बात करें तो दोस्तों, राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह ने कहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के स्टूडेंटों को 15 अक्टूबर से अपने शिक्षकों से विषयों के संबंध में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन नियमित कक्षाएं अभी भी बंद रहेंगी। 9 से 12 तक के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं यानी कि बोर्ड कक्षाएं जो है खोली जा सकती हैं। फिर राज्य सरकार जो है इसके जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी डिसीजन होगा, उसका निरीक्षण करके ही जो बाकी की क्लासें हैं उनको खोलने की मंजूरी यहां पे दी जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंतर्गत राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री के ए सेंगतोतिया ने कहा है कि दोस्तों फिलहाल स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्लानिस्वासी के पास अपनी रिपोर्ट सौंपे गए हैं और इसके बारे में कोई अहम डिसीजन जो है वहीं से लिया जाएगा। मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो है 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने की अनुमति दे जा चुकी है, लेकिन अगले आदेश तक किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में जो है नियमित रूप से इस कक्षाएं लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। पुदुचेरी की बात करें तो 8 अक्टूबर से जो है कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों
बात करें कक्षा 9 और 11वीं की कक्षाएं सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को लगेंगी। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि अलग अलग डे वाइज अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पे जो है क्लासें लगाई जाएंगी। वहीं दोस्तों तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक राजस्थान में जो है सभी क्लासें जो है बंद रहेंगी, यानी कि राजस्थान में भी नवंबर में ही जो है डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने तमाम राज्यों को कवर किया है। इसके अलावा और किसी भी राज्य की जानकारी आप चाह रहे हैं कि स्कूल किस तारीख से खुलेंगे, कहां पे खुलेंगे, तो अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको किस राज्य की जानकारी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं।